सांसद आजम खां की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ 3 मुकदमों में अदालत ने वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आजम खां की जो परेशानी है वो कम नहीं हो रही हैं। हम जानते हैं 85 से ज़्यादा मुकदमे जो थे वो आजम खां के खिलाफ हुए थे। बकरी चोरी, भैंस चोरी तक के जो थे वो मुकदमे उनके खिलाफ जो थे वो किए गए थे, वो शिकायतें की गई थीं। और अब शाहबाद कोतवाली में ये 3 मुकदमे, जी हाँ, शाहबाद कोतवाली में सांसद आजम खां के खिलाफ 3 मुकदमों में अदालत ने वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। तीनों मुकदमे लोकसभा चुनाव के दौरान जिले शाहबाद कोतवाली में दर्ज कराए गए थे। इनमें से एक मामला लोकसभा चुनाव के दौरान था जब आजम खां ने बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा के खिलाफ जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, अभद्र टिप्पणी करी थी, तो उन पर जो था ये भी आरोप है। इसके अलावा शाहबाद कोतवाली में ही चुनाव के दौरान सैफानी में भी 2 स्थानों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इन दोनों मामलों में शाहबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने तीनों मुकदमों को जो है वो अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, और इसी मसले पर सभा सांसद को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। क्योंकि आजम खां को अब रामपुर में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आजम खां के जो नंबर हैं वो भी ऑफ जा रहे हैं। इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सांसद के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश दे डाले हैं। सहायक जिला ने बताया है कि समन के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं। कोर्ट जो है वो वारंट जारी करने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि आजम खां जो है वो समन जाने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे थे। हालांकि ये आदेश जमानती वारंट के हैं, गैर जमानती वारंट नहीं है। हम बता दें कि इससे पहले कुछ जो केस थे, हालांकि 27 से 28 केस थे जिसमें आजम खां को राहत भी मिली है, लेकिन फिलहाल जो है इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 16 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। आप देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, फिर किसी और न्यूज़ के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। जय हिंद।